तो कहानी की शुरुआत में हमें टॉम नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्टर है। अब बात ऐसी है कि टॉम देश और दुनिया को बदलने की कसम खा रहा है। दुनिया को बदलने की ये जज्बा देख करके लोग उसके साथ में शामिल हो जाते हैं और अब इस तरीके से टॉम एक रिपोर्टर से कांग्रेसमैन बन जाता है। वो अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर को छोड़ करके नए घर में आकर के शिफ्ट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह में टॉम उठ करके ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही घर के बाहर निकलता है तभी वो अपने दरवाजे के सामने एक बॉक्स को देखता है। वो जब बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे ढेर सारा टूल मिलता है। अब टॉम को लगा कि ये शायद गलत एड्रेस पर आ गया है क्योंकि उसके परिवार ने ये मंगाया ही नहीं था। खैर अब इस बात को इग्नोर करने के बाद वो ऑफिस में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि कांग्रेस मैन के शपथ लेने से पहले उसे ढेर सारी किताबों को पढ़ना होगा क्योंकि कांग्रेस मैन बनने से पहले क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ था और ये सब कुछ जानना टॉम के लिए बेहद जरूरी था। सारे किताब को लेकर के टॉम घर आ जाता है। अब उसके जो बच्चे थे वो अपने पिता के साथ हाइकिंग पर जाने का प्लान बना रहे थे लेकिन जब बच्चों को पता चलता है कि उनके जो पिता है वो बहुत बिजी हैं तो वो थोड़ा नाराज हो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह में उठ करके टॉम जैसे ही बाहर आता है तब वो देखता है एक ट्रक वाला है जो बड़े से सामान का डिलीवर करके जा रहा था। हालांकि टॉम कहता है कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया है, जिसके बाद डिलीवरी बॉय कहता है कि मेरा काम है सामान को पार्सल करना। अब जब सामान को टॉम पढ़ रहा था तभी उसके सामने एक इंसान आकर के प्रकट हो जाता है। ये इंसान टॉम से कहता है कि मैं गॉड हूँ और ये सारा सामान मैंने तुम्हारे लिए ही यहाँ पर भेजा है। जिसके बाद टॉम कहता है कि ठीक है लेकिन मैं इन सारे सामानों का करूँगा क्या। तब गॉड कहते हैं कि तुम्हें इन सामानों की मदद से एक आर्क बनाना है। जिसके बाद टॉम कहता है कि भाई मुझे आर्क की क्या जरूरत पड़ने वाली है वो भी इतने सूखे में। इसके बाद गॉड कहते हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं है लेकिन बाढ़ आने वाली है और तुम्हें सावधान रहना होगा। लेकिन अभी भी टॉम को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और अगले ही पल गॉड यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो जब शपथ लेने के लिए अगले दिन ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए थे जो कि बड़े लोग थे। शपथ के दौरान यहाँ पर गॉड फिर से आकर के प्रकट हो जाते हैं जिनको देखने के बाद टॉम बेहोश हो जाता है। जब टॉम की आँख खुलती है तो वो अपने सामने कांग्रेस लोंग को पाता है। वो टॉम से कहते हैं कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं भी कभी कभी ले लेता हूँ। कांग्रेस लोंग को लग रहा था कि शायद रात में टॉम ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। अब घर जाने के बाद टॉम स्टोरी ऑफ आर्क के बारे में पढ़ने लगता है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल था और उसमें लिखा हुआ था कि नोवा ने अपनी बीवी और तीन बच्चों की मदद से एक आर्क को बनाया था जिसकी मदद से उसने अपने परिवार को डूबने से बचाया। तभी उसकी बीवी उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें डिप्रेशन में नहीं देखना चाहती हूँ, तुम जो भी सोच रहे हो या कर रहे हो उसे बंद कर दो। अब अगले दिन सुबह में जब टॉम सोकर के उठता है तब वो सब कुछ भूल गया था। वो गॉड की कही हुई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन जब वो ऑफिस जाने लगता है तब हम देखते हैं कि जानवरों के पशुओं के दो दो जोड़ी उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी जीव जंतु थे वो सब कुछ टॉम के पास आ गए थे। टॉम खुद को बचा करके जैसे ही ऑफिस के अंदर जाता है तभी यहाँ पर भी सारे पंछी जीव जंतु आ जाते हैं। वो इन्हें बाहर भगाता उससे पहले ही कांग्रेस लोंग भी ऑफिस में आकर के पहुंच जाते हैं। टॉम को इस हालत में देखने के बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। तब टॉम झूठ बोलते हुए कहता है कि ये सभी ट्रेंड हुए हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए ये मेरा साथ दे रहे हैं, हमें पेड़ों को काटने से रोकना होगा वरना ये जीव जंतु ऐसे ही हमारे घरों में आकर के रहने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। जिसके बाद एक अधिकारी कहता है कि हाँ टॉम तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को काटने के लिए रोकना चाहिए। इन सब से छुटकारा पाने के बाद जब टॉम घर पर भी आता है तो जीव जंतु उसके पीछे करते हुए घर पर भी आ जाते हैं। लेकिन उसी समय यहाँ पर गॉड आ जाते हैं जो सभी जानवरों को यहाँ से वापस जंगल की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद गॉड टॉम को वो सीन दिखाते हैं जो बाढ़ के बाद यहाँ पर होने वाला था। बाढ़ आने के बाद टॉम के घर के साथ साथ सब कुछ बर्बाद होने वाला था। यह नजारा देख करके टॉम को यकीन हो जाता है कि गॉड बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसके बाद वो गॉड से कहता है कि मुझे तो आर्क बनाने नहीं आती है, मैंने तो ये कभी किया ही नहीं। जिसके बाद गॉड उसे एक किताब देते हैं और कहते हैं कि इसकी मदद से तुम आर्क को बनाना
बनाना शुरू कर सकते हो। अब उस किताब को पढ़ते पढ़ते टॉम सो जाता है और अगले दिन सुबह में जब वो सो करके उठता है तब वो देखता है कि उसकी दाढ़ी उग आई है, जिसको देख करके टॉम बहुत डर जाता है क्योंकि वो इस हालत में अब बाहर नहीं जा पाएगा। बल्कि वो शेविंग करने की पूरी कोशिश भी करता है लेकिन उसकी जो दाढ़ी थी वो बार बार उग आ रही थी। अब ऐसा मान सकते हैं कि ये गॉड का दिया हुआ एक तोहफा है जो टॉम को स्वीकार करना ही होगा। पूरी शेविंग कर लेने के बाद भी उसकी दाढ़ी नहीं जाती है, इसलिए वो दाढ़ी को लेकर के ही बाहर आ जाता है। उसका परिवार उसे इस हाल में देख करके थोड़ा हैरान था। उसी समय यहाँ पर लीसा आ जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन की मैनेजर है। लीसा टॉम को बताती है कि तुमने आसपास के 8 बिल्डिंग्स को खरीद लिया है। आसपास के 8 बिल्डिंग्स को खरीदने की वजह से उसके पास ढेर सारी जगह हो गई थी। हालांकि वो अपनी बीवी को समझाते हुए बताता है कि मैंने प्लॉट को नहीं खरीदा है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। वो पूछ रही थी कि आखिर तुम इतने प्लॉट में करोगे क्या। टॉम अपनी बीवी को बताता है कि वो एक आर्क बनाने वाला है। यह सुनने के बाद उसकी बीवी उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है। टॉम देखता है कि आर्क को बनाने के लिए बाकी के साधन की जो जरूरत थी उन सबको ट्रक में भर करके ला करके प्लॉट पर गिरा दिया जाता है। अब इन सामानों का इस्तेमाल करके वो अपने बेटे के साथ आर्क को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लगभग टॉम महीने बाद अपने ऑफिस में आ रहा था। उसकी दाढ़ी बाल दोनों बढ़ चुके थे, इसलिए ऑफिस में जल्दी कोई उसे पहचान नहीं पाता है। वो कई दिनों से ऑफिस में नहीं आया था, इसलिए कांग्रेस लोग उससे मिलना चाहते थे। हालांकि टॉम इस हालत में उनके सामने नहीं जाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस लोग खुद उसके सामने आ जाते हैं और फिर वो टॉम को इस होलिया में देख करके काफी हैरान हो जाते हैं। वो टॉम से बात करने के लिए उसे अकेले में एक कमरे में लेकर के जाते हैं और टॉम को बताते हैं कि आने वाले समय में एक भारी मीटिंग होने वाली है और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। तुम्हें मीटिंग की तैयारी करनी होगी ताकि हम मीटिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन टॉम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो घर आने के बाद अपने बेटों के साथ आर्क को बनाने लगता है। आर्क को बनाने के लिए सामान काफी भारी पड़ रहा था, ये लोग सामान को उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए गॉड इन लोगों को एक ऐसा यंत्र देता है जिसकी मदद से ये लोग भारी सामान को भी उठा पाएंगे। और अब इस तरीके से इन लोगों को काम करने में और भी मजा आने लगता है क्योंकि अब इनके पास यंत्र हो गया था। अब बाप और तीनों बेटे मिल करके काम करते हैं और आर्क को इतना बना करके तैयार कर देते हैं। गॉड ने टॉम को एक सूट भी दिया था और कहा था कि ये सूट तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगा। वो सूट को पहन करके जब बाहर आता है तब उसकी बीवी उसे देख करके काफी हैरान हो जाती है। वो देखता है कि टीवी में गॉड कह रहे थे कि 22 सितंबर को बाढ़ आने वाली है। ये जानकारी किसी और को नहीं सिर्फ टॉम को ही दिखाई देती है। अब टॉम को ऐसी हालत में देख करके उसकी बीवी उससे बात करने के लिए अकेले में लेके जाती है और फिर उसकी बीवी उससे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तब टॉम यहाँ पर अपनी बीवी को सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि गॉड ने कहा है आर्क बनाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि 22 सितंबर को बाढ़ आने वाली है और मैं आर्क को बना करके अपने परिवार को बचा सकता हूँ। उसकी बीवी यह सब कुछ सुन करके बहुत हैरान हो जाती है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि वो टॉम की बातों को सच माने या झूठ। खैर अब इसके बाद टॉम उस सूट को निकाल करके फेंक देता है और अपने ऑफिस वाले ड्रेस को पहन लेता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसका जो ड्रेस था वो ऑटोमेटिक उसके शरीर से गायब हो जाता है। इसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि किसी भी कीमत पर उसे सूट पहनना ही होगा। लेकिन वो भी गॉड से कम नहीं था, वो सूट के ऊपर ही अपना ऑफिस का ड्रेस पहन लेता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि आज ऑफिस में एक जबरदस्त मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में जाना उसके लिए बहुत ही जरूरी था। मीटिंग में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन्हें ही बुलाया गया था। जब टॉम का नाम लिया जाता है तो वो अपनी राय देने के लिए अपने स्थान पर खड़ा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका ड्रेस नीचे उतर चुका है और वो फिर से अपने वही पुराने वाले सूट में आ चुका है। ठीक उसी समय जंगल के जितने भी जीव जंतु जानवर पंछी थे वो सब कुछ ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। इन सबसे परेशान होकर के कांग्रेस लोग उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम सच में करना क्या चाहते हो। तब टॉम यहाँ पर अपना असली बात इन लोगों को बता देता है। वो सभी लोगों को बताता है कि गॉड ने मुझे कहा है एक आर्क बनाने के लिए क्योंकि बाढ़ आने वाली है। ये सब कुछ टीवी पर लाइव चल रहा था, उसके बीवी बच्चे और बाकी के सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। टॉम की बातों को सुनने के बाद सभी लोग बहुत हंसने लगते हैं और सभी लोगों को यही लग रहा था कि टॉम का माथा अब फिर चुका है। उसकी बीवी और बच्चे भी टॉम को इस हालत में देख करके काफी परेशान हो गए थे। टॉम जब घर पर आता है तब वो देखता है कि उसकी
उसकी बीवी ने पैकिंग कर लिया है क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर के अपने घर जा रही थी। वो टॉम से कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम वापस आ जाएंगे। बीवी और बच्चे के चले जाने के बाद भी वो आर्क को बनाना बंद नहीं करता है। इस बार आर्क के ऊपर जानवर भी आ गए थे जो आर्क को बनाने के लिए उसकी हेल्प कर रहे थे। ये न्यूज टीवी पर अब चारों तरफ फैल गई थी कि टॉम एक आर्क बना रहा है। टीवी के माध्यम से सभी लोग जो भी इस चीज को देखता था वो बहुत हंसता था कि वजह से टॉम की बीवी और बच्चे को शर्मिंदगी महसूस होता था। एक दिन गोड आकर के टॉम के बीवी से मिलते हैं और उसकी बीवी से कहते हैं कि भगवान हमें कोई भी काम करने का बार बार मौका नहीं देते हैं, शायद भगवान तुम्हारे पति के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते होंगे और ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसमें तुम्हें अपने पति का साथ देना चाहिए। जब तुम भगवान से मांगते हो कि मुझे मजबूत बना दो तो वो तुम्हें मजबूत नहीं बनाते हैं बल्कि तुम्हें मजबूत बनने का मौका देते हैं, और अब ये मौका तुम्हारे और तुम्हारे पति के पास है, तुम्हें जाकर के अपने पति का साथ देना चाहिए। अब टॉम की बीवी गोड की कही हुई बातों को ध्यान से समझती है और इसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर के टॉम के पास वापस आ जाती है। दरअसल इन लोगों को एहसास हो गया था कि टॉम चाहे जिस भी हालत में रहे वो उसका एक परिवार है और ये लोग उसका साथ देंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि जंगल के अंदर से सभी जानवर जो बड़े बड़े थे वो भी बाहर आ गए थे और आर्क को बनाने में इनकी हेल्प कर रहे थे। अब इस तरीके से सभी लोग मिल करके आर्क को बनाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद पूरा आर्क बन करके तैयार हो जाता है। जब पूरा आर्क बन करके तैयार हो जाता है तब टॉम सभी जानवरों को आर्क के अंदर आने का इशारा करता है, जिसके बाद सभी जानवर एक एक करके आर्क के अंदर आ जाते हैं और फिर टॉम भी अपने परिवार को लेकर के आर्क के अंदर चला जाता है। अब जिस दिन का टॉम बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो दिन भी आ करके पहुंच चुका था, मतलब कि आज है 22 सितंबर और आज के दिन ही बाढ़ आने वाली थी। लेकिन बाढ़ आने से पहले कांग्रेस लोग अपने लोगों को लेकर के यहाँ पर पहुंच जाता है क्योंकि वो चाहता था कि आर्क टूट जाए। दरअसल बाकियों को भी यही लग रहा था कि टॉम का जो माता है वो फिर चुका है। अब कुछ समय के बाद अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये बारिश कुछ खास बारिश नहीं होती है, थोड़ी देर बरसने के बाद तेज धूप हो जाता है। यह देख करके सभी लोग अब टॉम का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन टॉम को अभी भी विश्वास था कि नहीं, आज तो बाढ़ आएगी और वो चाहे जहाँ से आए। अब इस दौरान हम दूर एक बांध को देखते हैं जो कि टूट जाती है। डोम के अंदर पानी की मात्रा काफी ज्यादा था जिससे इनका सार डूब सकता था। पानी को अपनी ओर आता देख करके सभी लोग अब आर्क के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पानी जैसे ही जोरों से इनकी तरफ आती है तो ये सभी लोग आर्क के अंदर जा चुके थे, इसी वजह से इनकी जान बच जाती है। कुछ ही समय के बाद पानी की मात्रा चारों तरफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस नजारे को सभी लोग टीवी पर भी देख रहे थे, जिसको देख करके सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। वो नाव घूम करके व्हाइट हाउस की तरफ आ जाती है जहाँ पर मीटिंग हो रहा था। बाढ़ और इतने बड़े नाव को देख करके सभी लोग बहुत डर जाते हैं और बाहर की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन नाव से किसी को नुकसान नहीं होता है बल्कि व्हाइट हाउस के पास आ करके नाव अपने आप ही रुक जाती है। और अब इस तरीके से टॉम की वजह से बाढ़ आने के बाद भी सभी लोगों की जान बच जाती है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग टॉम का शुक्रिया कह रहे थे। वैसे तो टॉम जो भी कर रहा था वो एक पागलपन था, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बाढ़ आएगी क्योंकि सालों से सूखा पड़ रहा था और बारिश की कोई भी संभावना इन लोगों को नहीं दिख रही थी। खैर जो भी हो, गोड ने इन सब के बारे में टॉम को आगाह किया और टॉम ने गोड की बात सुन करके सभी लोगों की जान बचाई। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।